नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय का मंडलायुक्त अनिल कुमार ने फीता काटकर लोकार्पण किया और जिला निर्वाचन कार्यालय को नया भवन प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2.5 लाख की लागत से 2 साल में यह भवन यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इस बिल्डिंग में ईवीएम रखने के लिए 9 स्टोरूम बनाए गए हैं, जिसमें विधानसभा वार ईवीएम रखे जाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में फायर अलार्म एवं अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। लोकार्पण के दौरान जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, सभी ADM और SDM सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणो नमस्तां हरति च लक्ष्मी वसु पर्वदा। अहं जानि त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कञ्चनः सशक्यः सुभद्रिकां काम्बे लवासिनी। ओम वनस्पतो सुधूतो गंधाड्यो गधुम आग्रेसर देवानां धूपोऽयं वितद्विग्रह्यताम्। ओम मंगलं भगवान् विष्णो, मंगलं गरुडध्वजः, मंगलं पुण्डरीकाक्षः, मंगलायतनो हरये। आगे आइए सर, आगे आइए। हो गए तो और तो नहीं बचा, आओ आओ। तुम्हारे तो पूरे जिले में, तुम्हारे तो पूरे एरिया में हो रहा हो। ओम स्वामिना इंद्रो वृद्धस्वाः, स्वामिनः दूधा विश्ववेदाः, स्वामिनः सर। जी सर, ठीक है सर, आ जाओ सर, आइए सर, आगे आ जाइए। ओम मनो ज्योतिर्जुमाजस्य थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा सर, हमने कैलकुलेट किए कल सर, ये तो साइज के साथ है। उधर भी है सर, आ जाता DM साहब। हाँ, हम निरीक्षण में आओ, बस देखने इसको ऊपर भी चाहिए। चले थोड़ा आगे।
जिला निर्वाचन कार्यालय गोरखपुर का भवन का आज उद्घाटन था। तो इसमें बेसिकली जो हमारी EVM हैं उनके लिए स्टोरेज के लिए स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं यहाँ पे। 9 विधानसभा गोरखपुर जिले में है तो 9 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं। और DM साहब का और जो हमारे डिप्टी DO होते हैं जो ADME साहब हैं उनका कार्यालय है और ADO का कार्यालय है। तो पहले होता ये था कि जो हमारे इलेक्शन के जो ऑफिसर्स रहते थे वो कलेक्ट्रेट में संचालित होते थे, तो कलेक्ट्रेट कैंपस में ही है, पर इसकी एक अलग से बिल्डिंग होगी तो थोड़ा ये सुगमता भी रहेगी। और ये लगभग 2.25 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो इसका आज उद्घाटन हुआ है।